हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक डिशो में, और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने पिछले वीडियो में एंड किया था, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने यहां पर शेयर ऑन व्हाट्सएप का बटन यहां पर हमने इंटीग्रेट किया था, लगाया था, जिससे आप लोग यूज़र को फोर्स कर सकते हैं कि इस बटन पर क्लिक करके वो व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर सकता है। अब इसको आगे एडवांस हम और करेंगे, इसके अंदर लिंक कैसे ऐड करते हैं वगैरह वगैरह। बट उससे पहले हम एक टेक सीख लेते हैं, टेबल, यानी कि आप HTML के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लेंगे, और HTML के कलर कोड्स हम देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया था, अभी तक हमने ये किया था कि हमने यहाँ पर ग्रीन कलर अगर हमको देना है तो हमने ग्रीन लिखा था, ब्लैक, वाइट, ठीक है, तो आप लिख के भी ये दे सकते हैं। बट इनके अलावा जो अगर आप एडवांस कलर चाहते हैं, एडवांस कलर, ग्रेडियंट कलर और भी टाइप के जो कलर्स होते हैं वो आप चाहते हैं, तो आपको कलर कोड्स यूज़ करने होंगे। कलर कोड्स का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, अभी यहाँ पर हम जाएंगे इस साइट पे, HTML कलर कोड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक कलर पिकर दिया हुआ है, ठीक है। अब इन कलर के जो फॉर्मेट्स हैं वो ये हैं, एक तो हैक्स, RGB और एक HSL, ठीक है। तो जो हैक्स कोड है वो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है, और यूज़ भी काफ़ी आता है, ठीक है। तो ये 6 डिजिट्स का होता है, हैशटैग के साथ में ये 7 डिजिट्स का होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आप कोई भी कलर चूज़ करते हैं, जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर कोई पकड़ के कोई कलर चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो कोड्स हैं वो उस कलर के चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्विक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। देखिए, अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो फोटोशॉप के अंदर भी अगर आप कलर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी नीचे आपको कोड दिखता है, सेम कोड है, हैशटैग विथ 6 डिजिट कोड्स, ठीक है। और यहाँ पर ये RGB है और ये है HSB, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ से भी आप कलर कोड ले सकते हैं। बट कलर पिकर आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन, जिसमें से ये एक है HTML कलर कोड साइट, तो इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग कलर पिकर के थ्रू जो है कोड ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये रही हमारी HTML की फाइल, ओके। तो यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ रेड, ओके। तो ये रेड हो गया। अब रेड के अंदर मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए, डार्क रेड नहीं, मतलब थोड़ा सा ब्लैक भी उसके अंदर मिक्स हो। तो ये यहाँ पर लाके मैं छोड़ दूंगा, और ये कोड जो है मैं इसे कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी कर सकते हैं, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे हमारे HTML फाइल के अंदर, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बटन नीचे वाला शेयर वाला बटन है, या फिर मैं चाहता हूँ जो ये जो मार्क्यू का बैकग्राउंड है वो इस कलर का हो जाए। तो हमें मार्क्यू का टैग ढूंढना है, हमारा मार्क्यू कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इसमें जो कलर है वाइट, ये तो है फॉन्ट कलर, आप जो लिखते हो कलर वाइट कलर जो लिखते हो आप, वो फॉन्ट कलर होता है बेसिकली, और जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर है उस मार्क्यू का। तो यहाँ पर जो एक ग्रीन है, मुझे यहाँ पर हटा के इसको कंट्रोल वी कर दूंगा, जो हमने कोड कॉपी किया था, ठीक है, और कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो कलर है हमने वहाँ पर जो कोड बनाया था, कोड जनरेट किया था, वो मैंने अप्लाई किया, और उस कोड का, उस कलर का जो है यहाँ पर मार्क्यू का बैकग्राउंड हो गया है। तो ऐसे जो है आप कलर कोड ले सकते हैं। RGB का और HSL का यूज़ आप क्यों करोगे और कैसे करोगे, ऐसे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मैं आपको CSS के टाइम पे बताऊंगा। बट यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो यही थी कि आप कलर कोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कलर कोड्स ही यूज़ होते हैं बेसिकली अगर आप नॉर्मली लिखना चाहो। वैसे देखो, ब्लैक का जो कलर कोड होगा वो होगा, आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 000000, ओके। अगर वाइट का अगर आप देखोगे तो FFFFF होगा, देखो FFFFF, ठीक है। तो सबके कोड्स कलर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करो, कोड को कॉपी करो, पेस्ट करो, और वो कलर आपके वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगा। बाकी का हम CSS के अंदर देखेंगे। अभी हम मूव ऑन करते हैं और जाते हैं टेबल की तरफ, कि HTML के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। पहले HTML 5 फाइल में चलते हैं, और यहाँ पर मैं मार्क्यू टैग के नीचे जो मैंने ULLI टैग लिया हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर हम बनाते हैं टेबल। टेबल के लिए आपको लिखना होगा टेबल टैग, टेबल ओपन एंड टेबल टैग क्लोज, ओके। अब इसके अंदर हमको क्या लिखना है, देखो टेबल के अंदर होती क्या है बेसिकली, टेबल के अंदर होती है रोज़,
एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज रो क्या होती है, रो हॉरिजेंटल होगी, वो कॉलम्स होती है वर्टिकल, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे टेबल किसे कहते हैं। टेबल तो सबको मालूम है, टेबल होती क्या है। तो देखो सबसे पहले टेबल के अंदर जो टैग आएगा सबसे पहले वो आएगा रो वाला टैग, रो वो होगा टी आर, टी आर ओपन टी आर क्लोज, ठीक है। तो ये हमने एक रो बना ली है, एक रो बन गई। नीचे मैं एक और रो बना देता हूँ, टी आर क्लोज, एक और रो बना देता हूँ, टी आर क्लोज, ठीक है। तो हमने हमारी टेबल के अंदर तीन रोज बना दी है, ओके। अभी हमें बनाने हैं कॉलम्स। अब इमेजिन करिए, मुझे मुझे टेबल के अंदर लिखना है सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तीन मुझे कॉलम्स बनानी है, ठीक है। और उसके अंदर, उस टेबल के अंदर एंट्रीज है 1 2 3, यानी कि तीन लोगों की एंट्री है, तीन लोगों के नाम उसके अंदर हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने तीन रोज तो बना दी, ठीक है। मुझे एक और रो बनानी होगी क्योंकि हेडिंग भी हम देंगे, चार रोज होगी। वो कैसे होगी आपको मालूम चल जाएगा जब आप वेब पेज पे देखोगे, ठीक है। अब रो के अंदर हमें कॉलम्स कॉलम्स बनाने हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसके अंदर हम हेडिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे टी एच, टी एच यानी टेबल की हेडिंग, टेबल का जो हेड है वो आप यहाँ पर लिखोगे टी एच से, यानी कि जो फर्स्ट रो के अंदर हम टेबल का हेड यहाँ पर लिखेंगे। तो टेबल टी एच, ठीक है, टी एच क्लोज, ओके, अगेन टी एच, सॉरी टी एच एंड टी एच क्लोज, अगेन टी एच, टी एच क्लोज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीन हेड्स बना दिए हैं, ठीक है, तीनों कॉलम्स के। तो यहाँ पर मैं पहले दे देता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पर दे देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पर दे देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। ये हो गया हमारा हेड, टेबल का हेड। अब हम चलते हैं दूसरी रो के अंदर। दूसरी रो के अंदर हमको अब डेटा डेटा हम लिखेंगे, यानी कि हम जो इसकी वैल्यू होगी सीरियल नंबर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो आप लोग जो कॉलम्स को डेनोट करोगे वो करोगे टी डी से, टी डी, टी डी क्लोज, ओके, एंड अगेन टी डी, टी डी क्लोज, एंड अगेन टी डी, टी डी क्लोज, ओके। तो हमने यहाँ पर तीन कॉलम बना ली है। अब यहाँ पर मैं पहली एंट्री डालता हूँ सीरियल नंबर वन, फर्स्ट नेम मान लीजिए मेरा नाम ही ले लेता हूँ गौरव, लास्ट नेम बागोरा, ठीक है, कंट्रोल एस, ओके। तो अभी हम रन करा के देखते हैं, वेब पेज पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर आ चुका है, फर्स्ट नेम आ चुका है गौरव और लास्ट नेम आ चुका है बागोरा, ठीक है। तो ये जो ऊपर है वो हमारी हेडिंग है, यानी कि फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, और फर्स्ट रो के अंदर ये हमने टी एच टैग लिया है, हेडिंग टैग लिया है, वन फर्स्ट टी एच टैग, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये हमारी सेकंड रो है, सेकंड रो के अंदर हमने यहाँ पर डेटा फिल किया है कॉलम्स के अंदर, टी डी, फर्स्ट टी डी, सेकंड टी डी और थर्ड टी डी के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड रो के अंदर, ये रही हमारी थर्ड रो, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं करूँगा टी डी, टी डी क्लोज, टी डी, टी डी क्लोज, टी डी एंड टी डी क्लोज, ओके। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सीरियल नंबर टू, यहाँ पर लिख लेता हूँ मनीष और यहाँ पर लिख लेता हूँ शर्मा, ठीक है। तो हम रिफ्रेश करते हैं, तो सेकंड एंट्री भी यहाँ पर आ जानी चाहिए। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड एंट्री भी जो है आ चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो के अंदर हमने हेडिंग टैग यूज़ किया है, यानी कि टेबल हेडिंग टैग यूज़ किया है टी एच, ठीक है। सेकंड रो के अंदर हमने टी डी यूज़ किया है कॉलम्स के लिए, 1 2 3, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग खुद ट्राई करो। और वैसे ही ये फाइल आपको, पूरी जो फाइल है प्रोजेक्ट की फाइल, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी टेस्टिंग कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक और हमारी रो बाकी है, उसके अंदर भी हम देख लेते हैं डमी टैग का, डमी टैग जो है डेटा जो है वो पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 3, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मनीषा और यहाँ पे शर्मा रहने देते हैं, ओके, रिफ्रेश, ओके। तो थर्ड एंट्री भी हमारी आ चुकी है,
लास्ट वाले रो के अंदर, ठीक है। तो ऐसे जो है आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब इस टेबल को डिज़ाइन कैसे करते हैं, इस पर सी एस एस कैसे अप्लाई करेंगे, इनके बीच में स्पेस वगैरह कैसे देंगे, वो सब हम सी एस एस के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो वो सी एस एस जब हम चालू करेंगे, शुरू करेंगे डीप में, तब हम जो है यहाँ पर सी एस एस अप्लाई करेंगे, डिज़ाइन इसको देंगे, कलर्स का चेंज करेंगे वगैरह वगैरह। वैसे तो आप यहाँ पर स्टाइल टैग यूज़ करके कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऊपर कुछ भी सीखा है स्टाइल कैसे देते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कलर बॉर्डर वगैरह, तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं हर एक टैग के अंदर जाकर, ठीक है। बट सी एस एस के थ्रू ना आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सब सारे टैग्स पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे जो है आप टेबल टैग जो है यूज़ करोगे, और इसका यूज़ कहाँ होता है वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बाकी तो बस गाइज आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। और हाँ, मैंने फेसबुक वाला शेयर का मेथड नहीं बताया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको डीप में जाना होगा, तो वो मैं आपको आगे ज़रूरत पड़ने पर बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए आप शेयर ऑन व्हाट्सएप से काम चलाइए, और बाकी भी काफ़ी कुछ है टैक्स को लेके, तो वो हम आगे अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो पूरा है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी, और बाकी जो भी लिंक्स अवेलेबल हैं जो मैंने आपको बताई है अभी तक, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लीजिए वीडियो को क्लोज करने से पहले, ओके गाइस। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे सेफ।